हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल योगिता की डायरी। आज हम बनाएंगे वेज कटलेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी और सिंपल रेसिपी है। बारिश का मौसम है और आपको कुछ अच्छा सा खाने का मन हो तो आप इस वेज कटलेट की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिकॉज़ ये बनाने जितनी सिंपल है, टेस्ट में उतनी ही ज़्यादा अमेजिंग लगती है। और स्पेशली इसे आप लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो। इसका जो क्रिस्पीनेस है वो लंबे टाइम तक रहता है और बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती है। घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो आप उनके लिए पहले से बना के रख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो आइए चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे वेज कटलेट बनाने के लिए लेंगे हम कुछ सब्जियाँ। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 6 से 7 छोटे साइज़ के आलू, 2 गाजर जो मैंने उबले हुए लिए हैं, और साथ में लेंगे थोड़े से प्याज, शिमला मिर्ची और स्वीट कॉर्न। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक बड़ा मिक्सिंग बॉल लेंगे और उसमें हम आलू को ऐड करेंगे। अगर आपके आलू का साइज़ थोड़ा बड़ा है तो आप 3 से 4 आलू भी ले सकते हो। और साथ में यहाँ पे मैंने 2 गाजर ली है, तो गाजर और आलू को मैंने एक साथ में बॉईल कर लिया था। और यहाँ पे इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। आप किसी पोटैटो मैशर से या फोक से इसे मैश कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। अब यहाँ पे ऐड करेंगे हम इसमें कुछ और सब्जियाँ। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 1 शिमला मिर्ची, 1 प्याज और थोड़े से स्वीट कॉर्न। आपके घर में कोई और सब्जी अवेलेबल है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। साथ में ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जितना नमक, 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जितना लाल मिर्ची पाउडर, 3/4 टीस्पून जितना गर्म मसाला, 1/2 टीस्पून जितना चाट मसाला, और साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा ग्रेट करा हुआ अदरक। और अगर आप इसे बच्चों के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप इसमें हरी मिर्ची भी बारीक काट करके डाल सकते हो। मैं यहाँ पे बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे इन सारी चीज़ों के साथ में इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको जो सब्ज़ी पसंद नहीं है उसे आप स्किप कर सकते हो, और उसकी जगह पर आप इसमें पनीर, मटर वो भी यूज़ कर सकते हो। जो आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कीजिए। और यहाँ पे देखिए, जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल मिक्स होकर के तैयार है। अब इसमें हम एक खास इंग्रेडिएंट्स और ऐड करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स कैसे बनाते हैं ये आपको पता ही होगा। यहाँ पे मेरे पास में कुछ ब्रेड के कॉर्नर्स थे तो मैंने उन्हें मिक्सी में पीस करके ये ब्रेड क्रम्स तैयार किया है, और उसे गैस पे हल्का सा रोस्ट कर लिया था। अगर आपके पास में ब्रेड के कॉर्नर्स नहीं हो तो आप सिंपल ब्रेड को भी मिक्सी में पीस के उसे थोड़ा सा भून लीजिए, आपके पास में ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएगा। और इसके साथ में इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मिक्स करने के बाद में इसे हम कटलेट का शेप देंगे। आप इसे ओवल, राउंड, सर्कल, स्क्वायर, जैसा शेप आपको पसंद है वैसा आप शेप इसको दे सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हम सारी कटलेट है वो बना के रख लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून भर के जो ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है, आप ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल अपनी सब्जियों में जितनी नमी है उसके अकॉर्डिंग ही ऐड करें। आप पहले सारी सब्जियों को मसाले के साथ में मिक्स कर लीजिए, उसके बाद में ब्रेड क्रम्स ऐड कीजिए, जिसे आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही ऐड कीजिए। और यहाँ पे हम लेंगे इसकी स्लरी बनाएंगे, तो उसके लिए लेंगे हम 2 टीस्पून जितना मैदा, 1 टीस्पून जितना कॉर्नफ्लावर, और 1 पिंच जितना हम इसमें ऐड करेंगे नमक, और साथ में पानी के साथ में इसकी स्लरी तैयार कर लेंगे। स्लरी जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतली हो, ये बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए, ताकि जब हम इसमें इसे डिप करें तो एक कोटिंग भी आए और बहुत ज़्यादा मोटी कोटिंग नहीं लगे। तो यहाँ पे देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके की रखनी है हमें। अब यहाँ पे लेंगे हम कटलेट और उसे हम इस स्लरी के अंदर डिप करेंगे, और डिप करने के बाद में इसे हम ब्रेड क्रम्स में अच्छे से लपेटेंगे। ब्रेड क्रम्स आप पहले से बना के रखें और थोड़ा थोड़ा रखें एक साथ में, ताकि सारा ब्रेड क्रम्स आपका गीला नहीं हो। तो यहाँ पर मैंने बॉल में थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स लिया है और उसके साथ में इसे हम अच्छे से लपेटेंगे। और ध्यान रखें कि इसे जब आप उठाते हो स्लरी में से, तो नीचे फोग लगा के रखें, ताकि जो भी स्लरी एक्स्ट्रा होगी वो फोग से निकल जाएगी। और आप इसे इस तरीके से ब्रेड में लपेट करके अच्छे से कोटिंग कर लीजिए, और इसी तरीके से सारी कटलेट बना लीजिए। आप चाहो तो इसे डबल कोटिंग भी कर सकते हो। डबल कोटिंग करने से ये जो कटलेट है वो और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी, बट मैं यहाँ पे सिंगल कोटिंग ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम सारी कटलेट को इस तरीके से स्लरी में डिप करके और यहाँ पे ब्रेड क्रम्स में अच्छे से लपेट के इसे हाथों से थोड़ा अच्छे से सेट कर देंगे, ताकि जब हम इसे ऑयल में फ्राई करें तो ये जो ब्रेड क्रम्स है वो निकल के नहीं गिरे और जो हमारी कटलेट है वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो सके। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम सारी कटलेट है वो बना लेंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने सभी को अच्छे से
बना लिया है और आप इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, या घर में कोई गेस्ट आने वाला है तो आप पहले से इस तरीके से कटलेट बना के रख लीजिए और जब घर में कोई गेस्ट आता है उस टाइम पे आप उसे फ्राई कर सकते हो, तो आप कम टाइम में उनके लिए ब्रेकफास्ट बना सकते हो। अब यहाँ पे देखिए जो तेल है वो मैंने अच्छे से गरम कर लिया है और जो कटलेट है वो भी 1 घंटे मैंने फ्रिज में रख दी थी जो कि बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। तो यहाँ पे हम 3 से 4 कटलेट एक साथ में डालेंगे और उसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पे ऑयल को हम पहले अच्छे से गरम कर लेंगे और मीडियम हॉट ऑयल के अंदर इसे हम फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा धीमा नहीं रखेंगे, नहीं तो जो आलू है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे और वो खुलने लग जाएंगे। और यहाँ पे देखिए हमने इसमें ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है तो उससे जो हमारा ऑयल है वो हल्का बहुत गंदा भी होगा। तो यहाँ पे हम इसे जब तक नहीं चलाना है जब तक इस पर एक लेयरिंग नहीं आ जाती, जब आपको लगे कि ये थोड़ा सा फ्राई हो रहा है तो आप इसे उलटते पलटते हुए दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। बहुत जल्दी बन के तैयार होता है, घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो आप उसके लिए इस तरीके से कटलेट बना के रख सकते हो। बहुत फटाफट बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, सभी को पसंद आता है, छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आती है ये। और यहाँ पे इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे और अगर आपको जितना बनाना है उस अकॉर्डिंग आप थोड़ा फ्राई कर सकते हो, थोड़ा आपको रखना है तो आप फ्रिज में इसको स्टोर करके रख सकते हो। जब आपका मन हो टी टाइम स्नैक में आपको लेने का मन हो या घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो उस टाइम पे आप इसे इमिजिएटली फ्राई कर सकते हो, जो कि बहुत जल्दी फटाफट बन के तैयार होती है। और यहाँ पे देखिए जो हमारा दूसरा बैच है वो भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। आप एक साथ में ज़्यादा कटलेट ना डालें नहीं तो वो आपस में टच होने से टूट जाएगी। और इसे हम निकाल लेंगे, जो दूसरा बैच है वो भी फ्राई हो चुका है तो इसे भी हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम सारी कटलेट्स को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने सारी कटलेट को बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है और यहाँ पे देखिए मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ कि कितनी क्रिस्पी है ये। ये देखिए इसकी क्रिस्प की आवाज़, ये जो कटलेट है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है, ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। आप इसे अपनी मनपसंद किसी भी हरे धनिया की चटनी या टमाटो केचप किसी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। या आप इसे टी टाइम स्नैक्स में भी बना सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। और यहाँ पे देखिए मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ तोड़ करके, जो कि बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।